आप सभी जानते हैं दीमक, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके घर के लिए। ये दीमक लकड़ियों की चीजों को, आपके घर की चीजों को, जो चीजें लकड़ी से बनी हुई है, भले ये दीवार ही क्यों ना हो, हर चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये एक गंभीर समस्या बन के उभरी हुई है। एक अनुमान के अनुसार ये दीमक हर साल हमारे देश में करोड़ों का नुकसान कर देती है। प्राय ये देखा गया है कि ये दीमक जिस घर में एक बार कदम रख देता है, वहां पे इनसे काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल जो नए नए घर बन रहे हैं, उन सब में इस दीमक का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरत हो गया है, वरना करोड़ों का नुकसान आपको भी झेलना पड़ सकता है अगर आप करोड़पति है तो। वरना जो भी है आपके पास, जो भी छोटा मोटा दरवाजा है, खिड़की है, लकड़ी के सामान है, वो सब तो गया स्वाहा, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो ये सब इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से दोनों कान खोल के पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि आपका छोटा से छोटा चीज क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाकर इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीमक भूरे रंग का एक ऐसा जीव है जो मिट्टी में रहता है, जो मिट्टी के निचले सतह पे रहता है, जो लकड़ियों में रहता है, और इनकी संख्या लाखों में होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां से भी एक बार निकलती है, वहां इतने स्पीड में बढ़ती है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये धीरे धीरे आपके घर के लकड़ी की हर चीजों को खाना चालू कर देती है, और फलस्वरूप आपके घर के लकड़ी के बने हुए सारे चीजों को, सारे फर्नीचर को खा के बर्बाद कर देती है। आमतौर पर दीमक दो तरह के होते हैं, एक धरती के सतह के नीचे के दीमक और एक लकड़ी में जो बैठे हुए होते हैं, लकड़ी के अंदर जो होते हैं वो दीमक। धरती के नीचे की दीमक लकड़ियों को खाकर उसका पाउडर नहीं बनाती। इसकी मौजूदगी का पता दीवारों, दरवाजों या खिड़कियों पर बनी मिट्टी की 5 मिलीमीटर मोटी गोल छल्लेदार नाली को देखकर चलता है, जबकि सूखी लकड़ी की दीमक का पता दरवाजे व खिड़कियों को खटाखट कर उनमें से आने वाले खोखलेपन की आवाज से ही लगाया जा सकता है। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं और उसमें आप अगर कच्चा लकड़ी यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके उस लकड़ी में कभी ना कभी दीमक लगेगी ही लगेगी, और आप सीधी तरीके से उनको इनवाइट कर रहे हो कि आओ भाई मेरे दरवाजे को खा जाओ, मेरे फर्नीचर को बर्बाद कर डालो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कच्ची लकड़ी को यूज नहीं करना है। दीमक धरती से इमारत तक ना पहुंचे, इसके लिए निर्माण के समय इमारत की नींव में कीटनाशक दवाओं का घोल तैयार कर डाल देना चाहिए। इमारतों को दीमक से बचाने के लिए ये उपाय पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया है और पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आपके घर में दीमक ना हो इसकी संभावना और ज्यादा कम करने के लिए, जब आप अपने घर की मिट्टी खुदाई करते हैं, उस वक्त ये ध्यान दें कि उसमें पत्ते, कूड़ा करकट, लकड़ी की चीजें हो गई, छोटी छोटी लकड़ी के पीसेस हो गए, या कुछ भी जो कि आपकी मिट्टी के लिए सही नहीं है, वो सब चीज निकाल के फेंक दें, ताकि दीमक लगने की जो चांसेस है वो कम से कम हो जाए। उसके बाद आपको अपने जमीन में क्लोरोपाइरीफॉस का घोल बनाकर इसे अपने पूरे जमीन में चारों तरफ ड्रिल करके उसके अंदर डाल देना चाहिए। ये दवा बाजार में गोल्ड बन और अन्य कई नामों से अलग अलग पावर में, अलग अलग स्पेसिफिकेशन में मिलती है। इमारतों को दीमक से बचाने के लिए 1% क्लोरोपाइरीफॉस कीटनाशक घोल का इस्तेमाल इमारत के शुरू होने से पूरी होने तक 3 बार किया जाता है। पहली बार मिट्टी में से दीमक के प्रवेश को रोकने के लिए नींव की निचली सतह व दोनों तरफ 1% क्लोरोपाइरीफॉस कीटनाशक घोल डाला जाना चाहिए। अच्छे परिणाम के लिए आपको 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 5 लीटर ये केमिकल यूज करना होगा। उसके बाद जब फाउंडेशन का काम खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को बैकफिलिंग करते हैं। बैकफिलिंग करते वक्त हम लोग उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसमें हमको ड्रिल करना होगा, हर जगह जा जाके ड्रिल करने के बाद, और ड्रिल कितना करना होगा, कम से कम उसका जो डाया है वो 1 इंची का होना चाहिए, और एक ड्रिल से एक ड्रिल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 6 इंची रखिएगा, 6 इंची से ज्यादा मत रखिएगा, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ये केमिकल से वापस आपको इन सब जगह क्या करना है, ड्रिल करके उसमें वो केमिकल डालना है। अब जो आपकी खपत होगी वो देखिएगा, आपका 1 मीटर स्क्वायर में 7.5 लीटर कम से कम आपका यूज होना ही चाहिए, इतना तो आपको डालना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से डालिएगा। फाउंडेशन के अलावा हमारे जो फ्लोर होते हैं उसके नीचे जो मिट्टी होती है ना, वहां से भी दीमक हमारे घर में प्रवेश कर सकते हैं।
तो तीसरी बार में हमें क्या करना है, तीसरी बार में जहां पे हमारा फ्लोर होने वाला है वहां पे आपको एवरी 1 मीटर स्क्वायर में कम से कम 5 लीटर का ये केमिकल आपको यूज करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा नीचे का ये पार्ट पूरा कवर कर लिए, जिससे दीमक के उत्पन्न होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम जाता है हमारे घर में जहां पे हम अपना घर बनाने वाले हैं। और ये जितने भी हम लोग ड्रिल कर रहे थे, जितने भी गड्ढे कर रहे थे, ये कितना होना चाहिए, ये कम से कम आपका 2 फीट होना चाहिए। 2 फीट से कम मत कीजिएगा, कम से कम आप 2 फीट आपको ड्रिल करना है, उसमें आपको ये केमिकल हर एक जगह जा के घुसा के रखना है, ठीक है। दीमक हमारे घर को बाहर से अटैक ना करे इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जहाँ पे घर बना हुआ है उससे 2 फीट हट के और 40 मीटर थिकनेस रखना चाहिए। ऐसा एक कॉन्क्रीट का स्लैब पहले रेडी कर दीजिए, ठीक है। लेकिन उस स्लैब को बनाने से पहले आपको क्या करना है, पहले उस जगह पे भी क्लोरी पाइरीफॉस केमिकल का इस्तेमाल कीजिए, पहले ड्रिल करके वहां भी उस केमिकल को डालिए, उसके बाद ही वो 2 फीट बाई 40 mm का जो स्लैब है वो ढाल दीजिए अपने घर के चारों तरफ। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको घर को दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी फर्नीचर में दीमक लग जाती है तो उसको बार बार रिपेयरिंग करना, बार बार उसको बदलना, नए खरीद के लाना, हम जैसे मिडिल फैमिली वालों के लिए बार बार पॉसिबल नहीं है। कोई अमीर है तो उनके लिए क्या, दीमक लगी इसको हटाया नया लेके चलाया, लेकिन हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, सतर्क रहना है और टाइम टू टाइम हम लोग को चेक करते रहना है कि कहीं पे कुछ लगा तो नहीं, और उससे भी अच्छा टाइम टू टाइम हम लोग को एप्लीकेशन करते रहना है ताकि हमारा जो फर्नीचर है वो दीमक से सेफ रहे। दीमक का सबसे बड़ा दोस्त होता है सीपेज, सिलन। अगर आपके घर में कहीं से भी सीपेज हो रही है, कहीं से भी सिलन आ रही है, तो वो आपके दीमक को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, बहुत स्पीड में बढ़ाएगा। तो कहीं से भी देखिएगा, जॉइंट वॉइंट आपके घर में ना हो, कहीं से भी पानी वानी सीप ना कर रहा हो, कहीं से भी मॉइस्चर आने का कोई चांसेस ना हो, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों पे ध्यान रखोगे तो आधा से ज्यादा इस दीमक पे कंट्रोल आप खुद ही कर लोगे। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि साल साल पे, एक साल नहीं, 2 साल 1.5 साल पे आप अपने जो फर्नीचर पे इस क्लोरी पाइरीफॉस जो केमिकल है उसका एक लेयर भी आप चढ़ा सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम वो सेफ रहे। इसके बाद आप ये भी करवा सकते हो, अगर आप अपने घर का फर्नीचर खुद से बनवा रहे हो तो जो लकड़ी आपके पास आई है वो पक्की होनी चाहिए, प्लस क्लोरोपाइरीफॉस केमिकल का यहाँ पे पेस्ट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, आप इंजेक्शन भी उसके अंदर मरवा सकते हो, पेंट आता है उसका केमिकल में मिक्स किया हुआ, वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हो ताकि उसका जो लॉन्जिबिलिटी है और ज्यादा बढ़ जाए और ये दिमाग उसके आसपास तक नजर ना आए। तो इस तरीके से ये कुछ नियम सब है जो आप फॉलो करोगे तो अपने घर के फर्नीचर को, अपने घर को दीमक को बहुत हद तक आप बचा सकते हो, बहुत हद तक सेफ रख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आप चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, फिनिशिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को दे पाऊं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसको जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी घर बना रहे हैं, आपके दोस्त हो चाहे कोई भी हो, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनके पास नॉलेज हो पाए अपने घर को इस दीमक से कैसे बचा पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।